नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसकी आज हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 यानी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो 11th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी दी गई है हमें और हमें पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये जो एक एपी हमें दी गई है, इस एपी का जो 54th टर्म होगा उसमें जब हम 132 को जोड़ते हैं तो जो हमारे पास आएगा निकलकर आंसर, वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी क्वेश्चन में। सबसे पहले आपके पास जो जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। देखिए, ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास इस एपी में, 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 12। अब देखिए, हमें क्या बोला गया है कि इस एपी का 54th टर्म, तो n आ गया 54। तो अब हम निकाल लेते हैं an, मतलब an में हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले कि जब 54th टर्म की बात की गई है तो 54th टर्म क्या आएगा वही निकाल लेते हैं। तो an, a की वैल्यू रख दीजिए 3, n की वैल्यू 54 माइनस 1, d कितना है 12, 3 प्लस। अब देखिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर 53 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 प्लस 3 63। तो ये आ गया इस एपी का जो 54th टर्म है वो आ गया हमारे पास 639। अब देखिए, हम लिख लेते हैं यहां पे 54th टर्म हमारे पास ये आ गया 639। अब हमें पूछा गया है कि इसमें हमें 132 को ऐड करना है, तो 132 को हम ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 2 11, 3 3 6 प्लस 1 7, 6 1 7, ये आ गया हमारे पास 771। अब हमें क्या बताना है कि ये जो 771 है इस एपी का कौन सा टर्म होगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो ही हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब देखिए, फॉर्मूला दोबारा फिर इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। अब हमें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, अब हमारे पास दिया गया है ए एन, मतलब हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं 771 को। तो ए एन इज 771, ए 3। अब हमें निकालना है यहाँ पे एन, क्योंकि हमें पूछा गया है कि ये जो 771 है इस एपी का जो हमें दी गई है ये कौन सा टर्म होगा। डी कितना है हमारे पास 12। चलिए सॉल्व करते हैं। इस 3 को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 768। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 12n माइनस 12, अब इस 12 को ये जो यहाँ पे माइनस में है इधर ले जाएंगे, तो 768 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n। अब देखिए, 768 प्लस 12 कितना होता है 780 इज इक्वल टू 12n। बस आ गया आपका आंसर। n को इधर रख लीजिए बाय में 12, 780 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ये जाएगा 6 पे और फिर जाएगा 5 पे, तो 65। तो यहां पे अब हमें क्या बताना है, हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर आया वो है 65th टर्म। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगले वाला, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, इसको देख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि दो एपी है हमारे पास, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हमारे पास दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कि उन दो एपी का जो, जैसे एक एपी है और जो दूसरी एपी है, उन दोनों एपी का जो 100वां टर्म होगा उन दोनों के बीच डिफरेंस दिया गया है हमें 100, और हमें पूछा गया है कि उन दोनों एपी का जो 1000 यानी 1000वां टर्म होगा उसके बीच कितना डिफरेंस होगा। तो चलिए सबसे पहले, अब हमारे पास यहाँ पे ना ए दिया गया है ना डी दिया गया है, तो हम खुद मान लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है दो एपी, तो एक एपी को हम क्या मान लेते हैं, एक एपी को हम मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। तो आप फर्स्ट टर्म यहां पे मान लीजिए ए, कैपिटल ए, और लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। इसको मान लीजिए आप स्मॉल ए। ठीक है, अब देखिए, कॉमन डिफरेंस जो दोनों का है वो हमें दिया गया है सेम,
तो कॉमन डिफरेंस हम एक ही मान लेते हैं, मतलब स्मॉल डी जो अब तक हम मानते आ रहे हैं, जिससे हम डिनोट करते हैं वो ही मान लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एपी होगी, तब हम लिख लेते हैं 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो 100th टर्म क्या होगा फर्स्ट एपी का, मतलब उसका जो फर्स्ट टर्म हमने माना है ए, और उसका जो 99D, ऐसे ही तो लिखते हैं हम, जैसे हम अगर हम लिखते हैं A3, तो A3 लिखने के लिए हम लिखते हैं A+2D। तो ऐसे ही हमने इस एपी का 100th टर्म लिख लिया। और इसी तरह से जब हम दूसरी एपी का 100th टर्म लिखेंगे, 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो ये क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म माना है कैपिटल ए की बजाय स्मॉल ए, ताकि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इन दोनों को कर सके। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने खुद बोला है सेम, तो इसलिए हम एक ही अक्षर से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि इनका जो डिफरेंस है, अब उस डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 100, ये तो हमारे पास गिवन है। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालने के लिए इसको आप माइनस कर दीजिए एक वाली एपी में से दूसरी वाली एपी को, एपी की मतलब 100वीं टर्म को, और हमारे हमें बोला गया है 100। तो देखिए 99D से, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -99D। एक 99D से एक 99D कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, A-A=100। तो ये मान सकते हैं आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आके यहाँ पे अब तक हमारे पास जो दिया गया था, हमने वो यहाँ पे लिख दिया अच्छे से सोल्व करके। अब जो इस टर्म, ये फर्स्ट एपी है, इसका जो 1000th टर्म होगा वो हमें पूछा गया है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा A+999D। और सेम इसी तरह से दूसरी एपी का जो 1000th टर्म होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। अब हमें पूछा गया है इनमें से जब हम माइनस करेंगे इनको, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो आप ऐसे ही यहां पे माइनस कर दीजिए, साइन चेंज, देखो अब यहाँ पे इससे ये गया, तो हमारे पास क्या बचा, A-A। अब देखिए यहां तक हमारे पास बचा A-A, तो A-A की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही यहाँ पे हमने सोल्व कर ली, तो यहाँ पे A-A की वैल्यू हमारे पास पहले ही 100 आ चुकी है। तो जो इन दोनों एपी, जिनके जो 100वां टर्म है उसका जो डिफरेंस 100 है, तो इन दोनों एपी का जो 1000वां टर्म होगा उसका डिफरेंस भी हमारे पास 100 ही होगा। तो हेयर इट इज योर आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7। तो 7 से भाग होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, वो हमें पूछा गया है। अब आप एक बात बताइए, 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं 100 से और खत्म होते हैं 999, यानी 999 पे जाके। तो अब अगर आप एक एक नंबर को काउंट करने बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे और हो सकता है कि आप गलती भी कर दें। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एपी के हिसाब से सोल्व करना है। तो सबसे छोटा टर्म कौन सा होता है, जो 7 से डिफरेंस, जिसको जो 7 से डिवाइड हो जाता है उसको देखिए आप, सबसे छोटा टर्म होता है हमारा 105, 105, ठीक है। उसके बाद आप 7 7 जोड़ सकते हैं, 105+7 112, और सबसे लास्ट टर्म क्या होता है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, वो होता है 994, 994, ठीक है। आप उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए जो लास्ट टर्म होगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, लास्ट टर्म हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एन, तो जो n है वही हमारा आंसर होगा। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज 105 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7, क्योंकि 7 के टेबल की बात की गई है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं A2-A1 भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 112 में से 105 गए 7, कॉमन डिफरेंस इज 7। और लास्ट टर्म हमारे पास है 994। आप कहेंगे 994 क्यों, आप एक काम कीजिए, आप 995, 996, 997, 999 इनमें से किसी को भी आप डिवाइड करके देखें 7 पे, क्या वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, जी नहीं। सबसे बड़ा नंबर जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 3 डिजिट का, वो 994 ही होता है, और सबसे छोटा नंबर होता है 105। तो अब हमारे पास जो जो था हमने लिख लिया, अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ए एन कितना है, 994, ए कितना है 105, एन हमें निकालना है, डी कितना है 7। अब 994 में से 105 को माइनस कर दीजिए, इधर जाएगा ये, देखिए कितना आता है, यही आता है ना, 889।
अब इसको सोल्व कर लीजिए, ब्रैकेट खोलोगे जब आप 7n-7, अब ये 7 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 889 + 7 = 7n। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 896 = 7n, n यहाँ पे अकेला रह जाएगा, 896 के डिवाइड में हो जाएगा 7। तो जब आप 896 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे 128 नंबर हैं 3 डिजिट के, जो 7 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी की तरह है, हाउ मेनी मल्टीप्लाईज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से, जो 4 के गुणांक है, या मतलब जो हम सिंपल भाषा में बोले 4 से विभाजित हो जाते हैं, 4 से डिविजिबल है। लिख लीजिए आप, सबसे पहला 12, 16, 20, और सबसे लास्ट कौन सा होगा 250 से पहले, 248। ठीक है, अब हमारे पास यहां भी वही सेम कंडीशन आ गई, ए क्या है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 16 - 12 = 4। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया हुआ होगा वही होगा, क्योंकि जिसके टेबल की बात कर रहे हैं। फिर ए एन यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 248। अब इसको भी सारी को फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए, an = a+(n-1) और फिर d। an कितना दिया गया है 248, a कितना दिया गया है 12, n कितना है हमें निकालना है, और d कितना है हमारे पास 4। 248 - 12, ये जो प्लस का 12 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इधर इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 248 - 12 होता है 236 = 4n-4। 236, ये 4 इधर आ गया प्लस का, = 4n, ये हो गया 240 = 4n, n अकेला रह गया, 240 / 4, आंसर इज 60। तो देर आर 60 नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 250 विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया 60। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, हो सकते हैं कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो आप प्लीज उसको भी कमेंट में बताइए, या आप खुद उसको ठीक कर लीजिए। जब भी आप इस एक्सरसाइज को करने बैठे, इस क्या आप किसी भी एक्सरसाइज को करने बैठे, तो साथ के साथ खुद भी सॉल्व करते चलिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें क्या पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, ये दो एपी दी गई है इक्वल। इसमें पूछा गया है हमें दो एपी दी गई है, और इनमें पूछा गया है कि n की कौन सी वैल्यू पे इनका nth टर्म जाके इक्वल होगा। मतलब अब हमें क्या करना है इस एपी में, हमारे पास देखिए हमारे पास इस एपी में क्या क्या दिया गया है, a दिया गया है, d दिया गया है, और क्या दिया गया है n और an, इनकी हमें नीड होती है। सेम टू सेम आप इधर भी लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए अब ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 63, डी कॉमन डिफरेंस 65 - 63, आसान ही है 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है 3, कॉमन डिफरेंस 10 में से 3 = 7। अब हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि जो इसका एंथ टर्म है वो कहाँ पे जाके इक्वल होगा, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन, एन हमें यहाँ पे निकालना है। पूछा भी गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो हम इन दोनों को कॉमन रख के देख लेते हैं, मतलब इन दोनों को इक्वल हमें रखना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, an = a+(n-1)d, और इधर भी a+(n-1)d। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू पे ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो हम इनको पहले ही इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पे a कितना है 63, n हमें निकालना है, डी कितना है 2, और इधर वाले में से यहाँ पे ए कितना है 3, एन कितना है निकालना है, डी कितना है 7। हो गए बिल्कुल सेम। अब देखो 63 + 2n - 2, यहाँ पे 3 + 7n - 7। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो, 63 - 2 = 61 + 2n, 3 - 7 = 7n - 4। ओके, अब देखो एन एन वालों को एक साइड कर लो, इधर ले जाते हैं इनको, और 61 की तरफ आ गया 4, और इधर चला गया ये माइनस में जाके 2n, इधर हो गया 65, इधर हो गया 5n। तो अब यहां पे देखो इसको,
एन इधर रह जाएगा 65 डिवाइड बाय 5, आपका आंसर क्या आ जाएगा 13। तो जो 13th टर्म होगा वहां पे जाके ये दोनों इक्वल होंगे, ये आंसर भी आपका आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप और जरूर इस वीडियो को देखिए, बैक करके देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें एपी पूछी गई है, हमें थर्ड टर्म दिया गया है और सेवन्थ टर्म के बारे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। जो जो दिया गया है आप वहीं से लिख लीजिए। पहले थर्ड टर्म कितना दिया गया है 16, और सेवन्थ टर्म के बारे क्या कहा गया है, एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें कहा गया है कि जो सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A7, वो उस एपी के फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यही बात कही गई है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। A7 को हम कैसे लिखेंगे, A+6D। A5 को कैसे लिखेंगे, A+4D +12। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। A3 को भी हम खोल के लिख लेते हैं पहले ही, A+2D इज इक्वल टू 16। मैं पहले ही सोच के चल रहा हूं कि ए आप समझते होंगे, क्योंकि हम इस सारी एक्सरसाइज में ये लिखते आ रहे हैं कि A3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A+2D। ठीक है, A+6D। अब यहाँ पे ए से ए कट जाएगा क्योंकि इधर आके ये ए माइनस का हो जाएगा, और 6D-4D इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 2D इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू आ गई 6। तो यहां से हमें जब D की वैल्यू पता चल गई, इस D की वैल्यू को जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे, D की वैल्यू कितनी है 6, तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी, A की वैल्यू आ गई 4। अब हमें पूछा गया है कि AP हमें बनानी है, तो AP कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 4, उसके बाद आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाइए, 4+6 10, 10+6 16, 16+6 22, तो ये आपकी एपी की सीरीज बन गई। एंड हेयर इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा, आंसर जरूर चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन भी इजी है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे इसको सोच लेते हैं और इसको सोल्व भी नहीं करते। अगर एग्जाम में आ जाए, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है कॉमन डिफरेंस की। डी कितना है 5, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो सारी एपी के जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो तो 5 ही होगा, तभी हम इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। तो हमें पीछे से 20th टर्म बताना है, तो हम यहाँ पे ए मान लेते हैं इस 253 को। इस एपी के क्वेश्चन को हम उल्टा सोल्व करते हैं, तो जब ए हम 253 को मान लेते हैं, तो हम जो पीछे से एपी लिखना शुरू करेंगे वो कैसे लिखी जाएगी, 5 घटा दीजिए। इधर देखो आप, जब आप इस साइड बढ़ते जा रहे थे एपी में, तो आप 5-5 जोड़ते जा रहे थे कॉमन डिफरेंस में, इधर जब आप आओगे लेफ्ट साइड, तो आप 5-5 घटाते जाओ, 253, 248, 243 एंड ऐसे ऐसे ये 3 तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए हो गया 253 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, A2-A1। यहाँ पे अब आपको कॉमन डिफरेंस 5 नहीं है, A2 में से जब आप A1 करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका -5 आ जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। यही आप गलती करोगे अगर आप यहाँ पे थोड़ी जल्दी करोगे। तो अब हमारे पास डी भी है, अब हमें पूछा गया है 20th टर्म। अब तो हम पीछे से निकाल रहे हैं, हमने एपी को ही उल्टा बना लिया, तो 20th टर्म क्या निकालना है, सीधा ही निकालना है। एन क्या है 20, ए एन हमें निकालना है, A+N-1 × T। ए एन तो हमें निकालना है, ए है हमारे पास 253, एन हमारे पास कितना है 20-1, डी कितना है -5, तो 253+19-5 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 95। अब 253 में से आप 90+95, 13-5 8, यहाँ पे बचा 14-9 5, और यहाँ पे 158, तो आपका आंसर आ गया 158। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें जो जो दिया गया है हम लिख लेते हैं। सम ऑफ 4th टर्म कैसे लिखेंगे A4, और 8th टर्म कैसे लिखेंगे A8। कितना दिया गया है 24, इक्वेशन नंबर 1, और अगली रकम क्या बनेगी, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, ये कितना दिया गया है 44।
अब आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में सिंपल कर लीजिए, a प्लस 70 लिखते हैं 8 को, ये हो गया 24 और ये हो गया a प्लस 5d, इधर a प्लस 9d, ठीक है। यहां पे देखो अब आप इसको सॉल्व करते चलिए साथ के साथ, a प्लस a हो गया 2a, 3d प्लस 7d हो गया 10d इज इक्वल टू 24, इधर हो गया 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फोर अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर फोर माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ a की वैल्यू सेम है, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, इधर 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। जब आप माइनस करोगे तो साइन माइनस का आएगा, ये 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे माइनस 4d और यहाँ पे माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 5, तो ये जो डी की वैल्यू 5 है आप इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 24 माइनस 50 कितने होते हैं, माइनस का 26, और ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 13। अब देखिए एपी हमारे पास क्या बनेगी, माइनस 13, डी कितना है 5, आप 5 जोड़ेंगे तो 5 जब आप जोड़ोगे तो माइनस 8 होता है, 5 और जोड़ोगे माइनस 3 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कोई व्यक्ति है सुबह राव, वो 1995 से किसी कंपनी में काम करना शुरू करता है और उसकी एनुअल सैलरी होती है 5000, और वो क्या होता है प्रत्येक साल जैसे जैसे उसकी नौकरी करते हुए होते हैं उसकी नौकरी 200 रुपये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो हमें पूछा गया है कि उसकी नौकरी अगर प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ती जाए तो कब जाके कौन से साल में जाके उसकी नौकरी 7000 रुपये हो जाएगी। तो पहले आप ए पी बना लीजिए, 5000 से आप स्टार्ट करोगे, 200 रुपये बढ़ेंगे तो 5200, 200 और बढ़ेंगे 5400, और ऐसे ऐसे पहुंचना है हमें 7000 तक। तो हमें कहा गया है कि एपी की टर्म्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ये बताइए कि वो कितने साल बाद उसकी नौकरी 7000 हो जाएगी। तो ए हमारे पास है 5000, डी कितना है इन्होंने कूद दिया है 200, आप ए टू माइनस ए वन भी करोगे तो 200 ही आएगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है, 200 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहे हैं वहां पे। उसके बाद ए एन लास्ट टर्म हमें दिया गया है 7000, तो सारी की सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूला में जब आप पुट करोगे, एक ही फॉर्मूला इस सारी एक्सरसाइज में यूज करते हम आ रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन हमें निकालना ही है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा था मतलब कॉमन डिफरेंस 200, 7000 में से इधर ले आगे 5000 आप माइनस कर दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये हो गया 2000। ये जो इधर है इधर जब आप इसको लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू 200n। अब आप क्या कीजिए, n को इधर रख लीजिए, 2200 यहां पे और डिवाइड में हो जाएगा इसके 200। योर आंसर इज 11, आफ्टर 11th ईयर इट्स सैलरी रीच रुपीज 7000। ओके, अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज 1.75। देखिए क्या है कि कोई रामकली नाम की औरत है, वो जैसे एक पहला हफ्ता है किसी साल का उसमें क्या करती है, वो 5 रुपए सेव करती है और प्रत्येक हफ्ता वो अपनी सेविंग में इंक्रीमेंट करती जाती है। जैसे उसने पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव किए तो उसके अगले हफ्ते में वो जो सेव करेगी 5 रुपए में 1.75 मतलब 2.25 रुपए ऐड करके सेव करेगी तो वो कितने हो जाएंगे 6.75। इस हिसाब से हमें पूछा गया है कि कब तक वो 20.75 तक पहुंच पाएगी, हमें एन फाइंड करना है इसी क्वेश्चन की तरह है। हमें शुरू करना है 5 प्लस 1.75 जब हम करेंगे तो 6.75 और ऐसे ऐसे हमें पहुंचना है 20.75 तक। आसान ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह है ये, हेयर ए इज 5, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 1.75 एंड ए एन विच इज गिवन 20.75।
तो व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वी यूज दिस फॉर्मूला. एन कितना है 20.75, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 एंड डी कितना है 1.75. 20.75 माइनस 5 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 15.75. और इधर जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे, अब देखिए 15.75 ये इधर आगे प्लस होगा, तो यहां पे इसको प्लस करके देख लो पहले ही. 5 5 10 7 7 14 प्लस 1 15, 5 1 6 7, ये हो गया 17.50. ये देखिए आप, अब आप इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं. n को इधर ही रख लीजिए, 17.50, 1.75. अब देखो क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद दो यहाँ पे है अक्सर, और दो ही यहाँ पे है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. उसके बाद ऐसे ये आपका आंसर आ गया. ओके, तो आपका आंसर सही आया है. आप चेक भी कर सकते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार मैथ में क्या आंसर दिया गया है. लास्ट में यही दिया गया है. तो आशा करता हूं ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी. अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई है तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू, और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए. मिलते हैं अगली वीडियो में.